हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग को सेकंड लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में पूरे प्रॉपर्टी को आप लोग को समझा दिए हैं। बट जो चैप्टर इसका क्वेश्चन का है, जो इस चैप्टर है आपको बताते हैं। इस बुक को ले लीजिएगा आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ थ्री मोड वेक्टर, इसके बारे में बता देते हैं आप लोग। आपको हम 2x2 वेक्टर मतलब 2 वेक्टर को आप लोग को फाइंड आउट कर दिए, जैसे मैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, इसको फाइंड आउट कर। अब आप हम लोग को क्या देखना है, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखना है। तो स्केलर प्रोडक्ट, अब इसे आप क्वेश्चन जो किताब का है वो पूरे हम थ्योरेटिकल, जो अभी जो थ्योरम हम बनाने जा रहे हैं, ये थ्योरम हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। या नहीं करेंगे बिहार यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एट टू जेड यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है। जो जितना क्वेश्चन आपसे हम बताते जा रहा है, सबको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि वो पहले प्रॉपर्टी था, अब हम क्वेश्चन थ्योरम बट सब कुछ स्टार्ट कर। अब आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, बाद में आप लोगों को अगले लेक्चर में तो और कुछ बताएंगे। बट चलिए आप लोग को लेक्चर नंबर 3 है, आप लोग शुरू से लेक्चर को देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, बट इधर उधर से देखिएगा तो इसका तो कोई गारंटी नहीं कि आप लोग समझ पाएगा। बट चलिए आप लोग आगे दिखा रहे हैं, चलिए देखते ही रहिए। जैसे मैं जेनेटिकल इंटरफेरेंस एक थ्योरम है, जेनेटिकल जेनेटिकल इंटरफेरेंस ऑफ स्केलर ट्रिपल। आप लोग हम क्या बताए हैं कि स्केलर वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, और स्केलर क्या आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो जाएगा। या बट ये थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो 100% श्योर है कि क्वेश्चन में आ सकता है, जो 2023 में जो एग्जाम देने वाले होंगे पार्ट 2 के लिए, उनके लिए अति आवश्यक क्वेश्चन है। पर बहुत ज्यादा, जैसे मैं आप लोग फिगर आप लोग हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए इस फिगर को देख के आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा कि यह क्या है। जैसे हम देख लीजिए फिगर बनाने, फिगर को ध्यान से देखिएगा, सबसे आप लोगों को सबसे पहले फिर यह क्या आ जाएगा, पी, यह क्या आ जाएगा, क्यू, यह क्या आ जाएगा, आर, ये क्या आ जाएगा, एस, हो गया। ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ जो हम लोग मिला है, इसका मान ई और इसका नाम डी हो गया। अब आप लोग को देखिए, इसका मान ई और इसका नाम डी हो गया, यह क्या आ जाएगा आपका वेक्टर ए और यह क्या आ जाएगा वेक्टर बी। और वैसे जो पूर्ण ट्रिपल लंबवत जो है नेगेटिव ट्रिपल होता है, यह क्या आ जाएगा आपका वेक्टर सी, और यहाँ से जो डॉट 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 करके जो लंबवत होगा परपेंडिकुलर ये यहाँ पे, तो एच, यहाँ क्या आ जाएगा एम, एफ मान लेते हैं, हाँ आप लोग इसको मान लिए। अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा, थ्री प्रोडक्ट में है तो बी क्रॉस सी यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है वही ना कर किया जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है बॉल, तो एफ, इसमें क्या आ जाएगा आपको एन कैप, मतलब एन कैप इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आप लोग को एन कैप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले फिगर को समझिए, इसमें कहने का मतलब कि ए बी सी वेक्टर, तीन वेक्टर का एक ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें एन कैप या सी वेक्टर यहाँ पे है, एस एन क्या होगा लंबवत, इसके क्या होगा एच, तो जो लंबवत उसको हाइट मान लेंगे एच, यहाँ पे ई इसका मान डी हो गया। तो आप लोग इसी थ्योरम को मतलब लिखना है बहुत अच्छी तरीके से, इसी थ्योरम को आप लोग सेटिस्फाई करना है। और आप लोग देखिए सीधा सॉल्व, सीधा प्रूफ इसका, ये जो थ्योरम देखना है इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान से देखिए कोई थ्योरम को इतना आप लोग लिख सकते हैं, लेट यस कंसाइडर ए क्या क्या अटरीब्यूट, ODEF कॉमा क्या हो जाएगा फिर PQRS हो गया। क्या क्या दो गुण है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू आर एस विथ, क्या आ जाएगा विथ कट माइनस इडिच, ब्रिज की तरह, इडिच मतलब ब्रिज की तरह इडिच हो गया। चलिए आप लोग ये तो समझ गए, अब क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, ओ यहाँ वो छूट गया था सॉरी, ओ से लेके एस क्या है वेक्टर,
O से S वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर A हो गया, ठीक है, वेक्टर आप लोगों को क्या हो गया, A हो गया, कॉमा, देखिए O से लेकर D, O D, इसके बीच में D वेक्टर हो गया, एंड O से F, उसके बीच में क्या है, O से F, इसके बीच में क्या है, वेक्टर C वेक्टर दिया हुआ है, फिर आप लोगों का नाउ, नाउ ना हो गया, तो आप लोग हम पहले सब फिगर में जो फिगर था वो बट यहाँ से प्रूफ में आप लोग को लिखवा चुके हैं। अब आप लोग को चलिए लेट में लिखवाते हैं, आप लोग को देखिए आप लोग लेट में, लेट एम कैप बी ए यूनिट वेक्टर, लेट एन बी ए यूनिट वेक्टर, लेट एन बी ए क्या हो गया यूनिट वेक्टर, ओ डी ई एफ आप लोग हमेशा लिखवा रहे हैं, ओ डी ई एफ हैविंग, ODF having to the direction क्या है B cross A, having to the direction B cross C, B cross having to the direction क्या हो जाएगा आप लोगों को, क्या लिखा B cross C from S draw मतलब इसे कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, एस ड्रैग क्या हो जाएगा, एस ड्रैग मतलब जो ये पर जो हाइट जो परपेंडिकुलर जो हाइट है जिसको हम एच मान रहे हैं, तो एस ड्रैग एच 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 परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो रहा है एम पर हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आप लोगों को एम हो जाएगा, परपेंडिकुलर एन, चलिए लिखते हैं परपेंडिकुलर एन, इसको मिटा दो, परपेंडिकुलर एन आपको लिख दिए हैं, फिगर आने देना होगा, बिना फिगर के शो करना है, फिगर चाहिए, परपेंडिकुलर एफ एफ, चलिए यहाँ से फिर मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर वापस से लिख रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर एफ, फिर आगे से मतलब जो छोड़े हैं उसके आगे से हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट एस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, एस एम इक्वल टू हम क्या माने हैं आप लोगों को एच माने हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमेशा लिखते हैं एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन देन बिटवीन थीटा एंगल बिटवीन बिटवीन देन नहीं सॉरी गलत हो गया बिटवीन बिटवीन एम कैप एंड ए वेक्टर, एम कैप एंड ए वेक्टर, ए वेक्टर हो गया, चलिए देन में आप लोग जाते हैं, हम लोग को क्या बुक करना था वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट का ए डॉट रह जाएगा, इसको क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ओ डी ई एफ, एरिया ऑफ आपका क्या होगा ओ डी एफ, एन कैप का एन कैप, एन कैप एन कैप रह गया, इसको लिखिए एरिया दिए आगे दिए एरिया ओ डी ई एफ एक ए कैप, ए कैप के जगह पर हम लोग क्या लिखे थे वेक्टर ए कैप, तो ओ से एस इसको डॉट में लिख सकते हैं ओ एस वेक्टर, ए के जगह पर ओ एस, क्योंकि ओ एस इक्वल टू तब नहीं क्या वेक्टर था, तो इसके जगह पर एक जगह ओ एस और डॉट कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन कैप, क्योंकि डॉट है तो यहाँ एन कैप, अब इसको आगे बढ़ाते हैं एरिया ओ डी एफ इतना, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर देखिए आप लोग एरिया ओ डी ई एफ, इसके जगह पर फिर ओ एस है, यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा वेक्टर ए एन कैप तो थीटा है, तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं आप हमेशा आप लोगों को बताते हैं इसमें जो थीटा दी एंगल तो लिख सकते हैं वेयर थीटा भी ना देखिए वेयर वेयर थीटा बी ए कॉट हो गया थीटा बी ए कॉट, उसके बाद आप लोग इसीलिए चलिए आप लोगों को देखो नहीं मिटाते हैं बट थोड़ा सा और आगे बनाना है और आपको हम आगे बता रहे हैं।
हो गया। तो चलिए इतना जगह आप लोग एरिया ऑफ ODEF, एरिया ऑफ ODEF ध्यान से देखिएगा, इसके जब हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी, एरिया लिख सकते हैं बी क्रॉस सी, एरिया ऑफ ODEF इसके जब क्या आ जाएगा हम लोग का वेक्टर बी क्रॉस सी, पूरे को मिटाते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी, हम लोग क्या लेके चल रहे थे वेक्टर ए डॉट B cross C हो गया, एरिया ऑफ वेक्टर A dot B cross C मतलब हो गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि स्केलर प्रोडक्टिविटी, इसको वॉल्यूम फॉर्म में लेते हैं बराबर क्या आ जाएगा वॉल्यूम फॉर्म, इसको लिख सकते हैं द वॉल्यूम फॉर्म ऑफ द डायलैक्ट्रिक, देखिए द द वॉल्यूम फॉर्म ऑफ द वॉल्यूम फॉर्म ऑफ डायलैक्ट्रिक, इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको कैसे वॉल्यूम फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग मैग्नीट्यूड वॉल्यूम फॉर्म में देख लीजिए सी, यह हो गया। कहीं पे क्वेश्चन दिया हो जैसे मैं मान लेते हैं कि वेक्टर बी को बाहर निकाला हो और ए क्रॉस सी हो, तो इसको वॉल्यूम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम फॉर्म में वेक्टर बी ए और क्या आ जाएगा सी, ऐसा ही आप लोगों को हमेशा क्या लिखते रहना है जैसे लिखते हैं वैसा ही। तो अगर क्वेश्चन अगर दिया हो कहीं पे कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस बी, तो वॉल्यूम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए बी और सी, ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम फॉर्म में, यही हम लोग को स्केलर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या था पूछा था, ये क्वेश्चन अति आवश्यक है, मतलब है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बट इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग को इसके बारे में यह एक थ्योरम हो गया, यह फर्स्ट नंबर थ्योरम था, और आगे वाले थ्योरम को जानने के लिए कुछ हम लोग को आगे के लिए जानना होगा, जैसे मैं आप लोग को बता रहे हैं, चलिए आप लोग को मालूम होगा आप लोग हमेशा पढ़ आ रहे हैं कि देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यह एक प्रॉपर्टी के टाइप में है, आपको एक प्रॉपर्टी समझिए कि हम आपको एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो आगे वाला जो थ्योरम आने वाला है उसमें एक प्रॉपर्टी की तरह आपको बता रहे हैं, आपको पीछे वाला क्लास में हमेशा बताए कि वेक्टर आई इक्वल टू, जैसे मैं आप लोग देखे बता रहे हैं तो रूट करने में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को बोलेंगे आप लोग को याद रखना है कि जैसे क्या हुआ है वेक्टर आई बराबर हुआ है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, कैसे हुआ जैसे मैं आप लोग पता है कि वेक्टर पी ए इक्वल टू क्या ए वन आई प्लस ए टू जे, इसी तरह इसी को भी हम लोग लिखे हैं। चलिए आगे वाले आप लोग को थ्योरम बता दें, चलिए हो गया आप लोग का थ्योरम फाइंड द एक्सपेंशन आप लोगों को, अब ये जो थ्योरम है ये भी इस चैप्टर में जो चैप्टर आप लोग जो हम लोग अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है जो आप लोग का प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मोर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मोर फैक्टर में जो फर्स्ट नंबर थ्योरम बताया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ये जो थ्योरम आप लोग बताने वाला ये थ्योरम उससे भी मतलब क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों थ्योरम ही आप लोग को इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इस थ्योरम को देखें और समझिए आप लोग, जैसे मैं इस पहले नंबर इसका थ्योरम दिया है बुक में आपके बुक में लिखे हुए हैं सामने कि फाइंड द लिखा हुआ फाइंड द एक्सपेंशन, फाइंड द एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हुआ है, इसके इक्वल में वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हुआ है, इसको क्या आप लिख सकते हैं देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हम लोग प्रूफ क्या करना है हम लोग प्रूफ करना है सी वेक्टर, यहाँ पर सी वेक्टर हम लोग को यही प्रूफ करना है, यह प्रूफ करना है इतना बराबर हम लोग को इतना प्रूफ करना है, यह भी थ्योरम नंबर टू है। तो चलिए इस थ्योरम को भी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, इस थ्योरम में तो उस थ्योरम से भी यह थ्योरम बहुत इजीली है, हम लोग बट सिर्फ ध्यान से देख रहे हैं, इस थ्योरम में भी कुछ है नहीं बट आप लोग भी ध्यान से देखें इस थ्योरम में क्या हम लोग प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हम लोगों को कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इतना था ना ये जैसे से तो सॉल्व में लिखिए आप लोगों ने सॉल्व में
इसके लिए क्या है कि यहाँ तीन वेक्टर दिया हुआ है, थ्री वेक्टर, वेक्टर ए डॉट, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। इसको वेक्टर ए बराबर क्या मान सकते हैं, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है। और चलिए वेक्टर बी बराबर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के वेक्टर एंड एंड वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के वेक्टर। क्योंकि हम लोग थ्री वेक्टर है यहाँ पे, तो हम कम से कम तो तीन वेक्टर तो चाहिए ना, तीन वेक्टर के मान। तो चलिए आप लोग अध्ययन करते हैं, मान निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, कोष्टक का मान जो दिया, कोष्टक जो दिया इसी का मान पहले निकालते हैं। तो हम लोग क्या निकाला, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ई। वेक्टर बी का मान क्या है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के क्रॉस सी वन आई सी टू जे प्लस सी थ्री के, हो गया। तब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे शॉर्ट फॉर्म निकालने के चलते हम लोग क्या करें, डिटरमिनेंट फॉर्म पर इसको लिखते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म पर आप लोग लिखिएगा तो आई जे के लेना होगा, आई जे के हो गया। तब वेक्टर बी का, वेक्टर बी का मान क्या लिखे हैं, बी वन हो जाएगा, बी टू हो जाएगा और यहाँ बी थ्री हो जाएगा, फिर सी वन सी टू और सी थ्री हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताते हैं, आई आई बाहर हो जाएगा, गुना कीजिए, यह खत्म हो गया, इस टर्म को खत्म कर दिए, इस टर्म को खत्म कर दिए, बचा क्या, गुना कीजिए बी टू सी थ्री, बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री हो गया। चलिए माइनस जे कैप, जे कैप ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा, बी वन सी थ्री, बी वन सी थ्री और बी वन सी थ्री सी वन बी थ्री माइनस सी वन बी थ्री हो गया। फिर आ जाइए बीच में प्लस वेक्टर के बराबर, आप बता दीजिए के बराबर ये खत्म ये खत्म, तो बी वन सी टू, बी वन सी टू, बी वन सी टू और सी वन बी टू, सी वन बी टू हो गया, सी वन बी टू। अब इसको चलिए एक्सटेंज और बनाते हैं, वेक्टर आई बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा प्लस जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, आप लोगों को बी थ्री सी वन आई क्या आ जाएगा उधर, तब सी वन बी वन सी थ्री आ, यहाँ प्लस के कैप का के कैप जिस तरह है उस तरह उतार दीजिए, क्योंकि सिर्फ हम जे में ही माइनस कॉमन किए हैं, इसीलिए सी वन बी टू सॉरी यहाँ बी टू है, हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आप हम लोग आगे क्या आया था, चलिए इसको आगे इस लास्ट वाले स्टेंज को रहने देते हैं, बट और सबको मिटाते हैं, लास्ट वाले स्टेंज को हम लोग रहने देते हैं और आगे वाले को मिटाते हैं, इसी को लिखते हैं, लास्ट वाला स्टेंज को मिटाते हैं। हम लोग आगे में क्या आया, इतना आ गया, तो इतना बड़ा हम लोग लिख सकते हैं, इतना बड़ा हमको इतना आ गया, जल्दी इसको लिखते हैं, वेक्टर आई बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, सी टू बी थ्री प्लस जे जे बी थ्री सी वन माइनस बी वन सी थ्री प्लस के कैप में, प्लस के कैप में क्या आ जाएगा आपका, बी वन सी टू और माइनस सी वन बी टू हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना आ गया, हो गया। अब इतना बराबर, इतना बराबर ई जो दिया हुआ है, इतना बराबर हम पूरे टर्म बराबर डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, जो टर्म दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर डी मान लेते हैं। नाउ तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस इतना के बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी यदि इतना के हम मान लेंगे तो वेक्टर डी हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। तो वेक्टर डी इक्वल इतना, इतना बराबर मतलब वेक्टर ए क्रॉस डी, और हम लोग को क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस डी। तो चलिए आप डी वन का डी डी मान लिए, तो यहाँ हो गया, तो सॉरी मैं पीछा पहले बैक कर लेते हैं, थोड़ा पीछा कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या माने हम लोग, कि वेक्टर क्या मान लिए, वेक्टर डी इक्वल टू बी क्रॉस
सी, ये तो हम लोग मान लिए, इसका मान आएगा तो वेक्टर है तब बी डी वन डी टू डी थ्री, तो ये डी वन का मान हो गया, ये डी टू का मान हो गया, ये डी थ्री का मान हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, जब हम लोग यहीं पर लिख दिए कि वेक्टर t बराबर इतना हम लोग मान लिए, तो चलिए इसका मान डी वन और इसका मान डी टू हम लोग मान लेते हैं, तो सीधा इसको लिख सकते नहीं है कि वेक्टर b बोले जा वेक्टर a क्रॉस सॉरी वेक्टर a क्रॉस क्या था हम लोग का d, वेक्टर a क्रॉस d हो गया, वेक्टर a क्रॉस हम लोग क्या मान लिए d हो गया, तो वेक्टर a क्रॉस b बराबर में क्या हम लोग इसको मतलब इस टर्म को लिखने के लिए अगर d तो d d है तो d1 का मान क्या हो जाएगा हम लोग को d1 i कैप प्लस d2 j कैप और प्लस d3 k कैप, और इसी तरह बराबर में ही लिख दिए बाकी d1 का मान है, ठीक है, तो इक्वेटिंग कर दीजिए, इक्वेटिंग कीजिएगा तो हम लोग को d1 का मान क्या आ जाएगा, d1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग को b2 c3 minus c2 b3, ये d1 का है, d2 का मान क्या आ जाएगा आप लोगों को d2 का मान e वाला आ जाएगा, d2 का मान क्या आ जाएगा b2 b3 c1 minus b1 c3 हो गया, फिर आपको d3 का मान क्या आ जाएगा, d3 का मान क्या है यहां पे लीजिए b1 c2 b1 c2 minus c1 b2, हम लोग को क्या आ गया d1 d2 और d3 का मान आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, a क्रॉस d वेक्टर, a क्रॉस वेक्टर d वेक्टर हम लोग निकाले हैं इतना, तो इसके जगह पर इतना d मान लिए हैं, अब हम लोग को इक्वेटिंग में तीन को माना गया, तीन को माना गया, अब हम देखते ही रहिएगा, बट क्योंकि ये पीछे फिर आगे इसका भी काम आएगा, जो हमने बताया इसका फिर आगे भी काम आने वाला है, ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग क्या निकल जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर d, चलिए इसको निकालते हैं, डिटरमिनेंट लिखिए i j और k, i j k, a1 का मान क्या आ जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 और d3, d3 हो गया, चलिए इसको निकालिए i कैप हो गया, e खत्म e खत्म क्या हो गया a2 d3 a2 d3 या सॉरी a2 d3 हो गया माइनस हो जाएगा a2 d3 माइनस हो जाएगा a2 d3, फिर क्या आ जाएगा आपको d2 a3, फिर ठीक है माइनस माइनस क्रॉस, पहला ही माइनस को कॉमन कर लेते हैं क्योंकि j का मान जब d लिखा जाता है यहां पे माइनस होता है, अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं e खत्म हो गया पूरा टर्म, तो हम ऐसे ऐसे गुणा करेंगे तो अपोजिट मतलब ऐसा ही गुणा करेंगे बट अपोजिटन डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे मैं यहां पे पहले हो जाएगा आपको d1 a3 और माइनस हो जाएगा आपको a1 d3, a1 d3 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए पहले, चलिए बीच में क्रॉस हो जाएगा, k कैप निकाले k वेक्टर निकालिए आप लोग, e खत्म और ये खत्म क्या आ जाएगा a1 d2, a1 d2 माइनस d1 a2 क्या आ जाएगा d1 a2, अरे सबसे पहले सबसे शॉर्ट आप लोग को बता रहे हैं इसमें कोई विशेष नहीं, सबसे पहले वाला मान a2 d3, तो a2 d3 आप लोगों को मालूम है तो पर दिस सोच लीजिए ये a2 है तो d3, तो आगे वाला टर्म में क्या हो जाएगा e हो जाएगा a3 a3 और ये d वाला क्या हो जाएगा a2, कुछ नहीं फिर देखिए d1 a3, तो सबसे मतलब आगे वाला सोच लीजिएगा कि माइनस के बाद क्या होगा, सबसे सीधा आप मुझे बिना देखे हुए डिटरमिनेंट आप क्या लिख दीजिएगा a1 d3 है तो सीधा लिख दीजिए आगे वाला में e वाला घात उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा d3 a1, तो सबसे ज्यादा शॉर्ट ये मिलाने की सही तरीका है, सबसे ज्यादा आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा और कुछ नहीं है इसमें, चलिए आप लोगों को मतलब जो ये भी बता दिए और आपको जितना तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया ये आगे इसको लिख सकते हैं, अगेन अगेन वेक्टर a क्रॉस b बराबर इतना है, इस मान को अब हम लोग क्या मान लेते हैं वेक्टर, इस मान को हम क्या मान लेते हैं, इस मान को वेक्टर हम p मान लेते हैं, ठीक है, इस मान को हम वेक्टर p मान लिए, ठीक है वेक्टर p मान लिए, इस मान को ये तो अलग है टर्म ये मिला के अलग टर्म, यह हमको कितना है वेक्टर a क्रॉस b का मान है, अब a क्रॉस d को हम क्या माने p माने, पहले माने थे कि वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c को d माने थे, अब a क्रॉस d को हम क्या मान लिए वेक्टर p, तो वेक्टर p पर तो क्या आ जाएगा p1 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 i कैप प्लस p2 j कैप प्लस p3 k कैप हो गया, चलिए p3 k कैप हो गया आप लोगों को, तो आगे आप लोगों को बता रहे हैं
जो ये जो हम लोग का मान है और इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ P1 का मान इक्वेटिंग कर देना है। जैसे में P1 का